हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एनएफ नेशनल। आज एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बेस्ट 10 कॉमेडी फिल्म्स की लिस्ट, जिन्होंने हमें खूब हंसाया। अगर बात की जाए इन फिल्मों के कलाकारों की, तो उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से हमें गम में भी हंसने पर मजबूर कर दिया। ये वो फिल्में हैं जो हमारे लिए एक याद बन गई, और इनको जितनी बार भी आप देख लो आप कभी बोर नहीं होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आती है डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म भागम भाग, जिसमें अक्षय कुमार और गोविंदा ने खूब कॉमेडी का तड़का लगाया था, और उनका साथ दिया था परेश रावल ने, जिन्होंने कॉमेडी का ऐसा धमाका किया कि बॉलीवुड को एक बहुत बड़ी हिट फिल्म दे दी। अगर बात की जाए प्रियदर्शन की, तो उनसे ज्यादा अच्छी कॉमेडी की फिल्म आज तक कोई डायरेक्ट नहीं कर पाया। आपको इस फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ सस्पेंस भी खूब देखने को मिलेगा। नंबर 9 पर आती है शाहिद कपूर और करीना कपूर स्टारर फिल्म चुप चुप की। यह फिल्म भी एक मास्टरपीस है। इस फिल्म का चाहे म्यूजिक हो, सॉन्ग्स हो या फिर कॉमेडी हो, सभी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस फिल्म में हमको दिखाया गया कि शाहिद कपूर को बिजनेस में घाटा पड़ जाता है और वो सुसाइड करने के लिए समंदर में छलांग लगा देते हैं, लेकिन उनकी मौत नहीं होती और वो हाथ लगते हैं परेश रावल और राजपाल यादव के। परेश रावल भी बहुत ज्यादा कर्जे के नीचे डूबे हुए हैं और वो गारंटी के तौर पर इनको एक लाला के पास छोड़ आते हैं, और वहाँ पर शाहिद कपूर को करीना कपूर से हो जाता है प्यार। शाहिद कपूर वहाँ पर गुंगे होने की एक्टिंग करता है और करीना कपूर रियल लाइफ में इस फिल्म में गुंगी है। क्या शाहिद कपूर खुद को यहाँ से बचा लेंगे या फिर करीना के पास ही यहाँ पर रहेंगे, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। नंबर 8 पर आती है संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई MBBS, जिसको डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने, जिन्होंने आज तक कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी, और मुन्ना भाई MBBS उनकी पहली हिट फिल्म थी, जिसकी कहानी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक लड़का घर छोड़कर मुंबई भाग जाता है और वहां जाकर एक गुंडा बन जाता है, और जब उसके पिता को पता चलता है तो वो अपने पिता को बताता है कि वो एक डॉक्टर है, और जब उसका पिता मुंबई में उससे मिलने आता है और उसकी मुलाकात अपने दोस्त से करवाता है जो रियल में एक डॉक्टर है, तो उसका भांडा फूट जाता है और संजय दत्त के पिता की इंसल्ट हो जाती है। अब मुन्ना उस डॉक्टर से कैसे बदला लेगा, ये फिल्म की कहानी है। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? नहीं। नंबर 7 पर आती है 2004 में रिलीज हुई फिल्म मस्ती। ये इंडिया की पहली फिल्म थी जिसमें डबल मीनिंग डायलॉग्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया कि कैसे हस्बैंड अपनी घरवालियों को धोखा देकर बाहर की लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ये सभी एक लड़की के चक्कर में ही पड़ते हैं, और वो लड़की इनके साथ अपनी तस्वीरें खींचकर इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, और बाद में उस लड़की का कत्ल हो जाता है। अब ये खुद को उस केस से कैसे निकालेंगे, ये फिल्म की कहानी है, जिसके लिए आपको एक बार इस फिल्म को देखना पड़ेगा। नंबर 6 पर आते हैं 2005 में रिलीज हुई फिल्म गर्म मसाला, जिसमें पहली बार जॉन इब्राहिम और अक्षय कुमार एक साथ कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आए थे। ये फिल्म अक्षय कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। अक्षय कुमार एयर होस्टेस लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाता है, और खुद कैसे चुंगल में फंस जाता है ये फिल्म की कहानी है, और कैसे जॉन इब्राहिम उनको इस चुंगल से निकालते हैं और अक्षय कुमार को कैसे उसके असली प्यार तक पहुंचाते हैं। एक बार आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नंबर 5 पर आती है गोविंदा और संजय दत्त की फिल्म जोड़ी नंबर 1, जो 2001 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, जिसमें संजय दत्त और गोविंदा ने लोगों को हंसा हंसा कर पेट पकड़ने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म में संजय दत्त और गोविंदा बहुत बड़े चोर हैं, जो लोगों को लूटते हैं अलग अलग भेष बदल कर, और एक घर में चले जाते हैं जहां पर इनको दो लड़कियों से प्यार हो जाता है। अब संजय दत्त और गोविंदा इस घर को लूटेंगे या फिर नहीं, इसको जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। नंबर 4 पर आती है अवारा पागल दीवाना। इस फिल्म में इतनी ज्यादा कॉमेडी और कलाकार थे कि आपको ये फिल्म लास्ट तक बोर होने नहीं देती। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, आफताब जैसे कलाकारों ने कॉमेडी का खूब तड़का लगाया। इसके साथ ही इस फिल्म का एक्शन भी बहुत ज्यादा लाजवाब है। अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो सभी लोग इस फिल्म में हीरो को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं और कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नंबर 3 पर आती है भूल भुलैया। इस फिल्म में पहली बार डर और कॉमेडी को पेश किया गया था। अगर इस फिल्म के कलाकारों की बात की जाए, अक्षय कुमार, विद्या बालन और राजपाल यादव ने बहुत ज्यादा बेहतरीन एक्टिंग की है। अब इस भूल भुलैया वाले घर से अक्षय कुमार बाहर निकल पाएंगे या नहीं, और इस कहानी को सुलझा पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। नंबर 2 पर आती है 2007 में रिलीज हुई फिल्म ढोल, जिसमें चार लड़के एक लड़की को फंसाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इस फिल्म में एक डॉन को ढोल चाहिए, और डॉन को लगता है कि ये ढोल इन लड़कों के पास है क्योंकि लड़कों ने झूठ बोला था। अब डॉन से ये लड़के खुद को बचा पाते हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस फिल्म में कॉमेडी का तड़का बहुत ज्यादा लगा हुआ है। और नंबर 1 पर आती है 3 इडियट।
भारत की ऐसी पहली फिल्म जिसने स्टडी सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए थे। कैसे हम कुछ बनने के लिए किताबों का रट्टा मारते रहते हैं और एक किताबी कीड़ा बनकर रह जाते हैं और एक भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। इस फिल्म में सभी कलाकारों ने कमाल का काम किया है और इस फिल्म में कॉमेडी के साथ एक अच्छा मैसेज भी देखने को मिलता है। तो ये थी आज की टॉप 10 बेस्ट कॉमेडी फिल्म्स की लिस्ट। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।